अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज व अमान में रखे, तमाम परेशानियां, तमाम तकलीफें, तमाम दुख दूर करे जी। आमीन सुम आमीन। तूने तो खा ली है बेबो, कैसा है? यम 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 है। वाह, ये देखें जी, फूंके मार मार के खा रहा है ये। मजे के हाथ पीछे करो, पहले लगा लेने दो ना आलियान। चम्मच किसके लिए? क्या खाया आलियान ने? पूटी खा ली है? नहीं। क्या खाया? क्यों डैडा को बताओ क्या खाया आपने? पास्ता। हाँ, पास्ता विद चिकन। विद चिकन। अभी क्या खा रहे हो ये भी डैडा को बताओ? क्या आइसक्रीम और वाफल डैडा पूछ रहे हैं। डैडा पूछ रहे हैं कब आना है? थोड़े से डालना ना, थोड़े से। चलो बस, ये इतने सारे आप खा लो। क्या होना बारिश की वजह से? चलो चलो, खाना इधर आओ बेटा। आलियान लुक, ओ नो, वेट है ना, उसको टच नहीं करना बेटा। हाँ ये देखो उसकी बूथी तुम्हारी तरह से है जैसे। इधर मेरी तरफ देखो तीनों। और ये छोटी सी जगह है जहाँ पे बारिश हो रही थी, तो हम कहीं दूर नहीं गए, तो हमने सोचा चलो बच्चों को यहाँ पे ना थोड़ी देर साइकिलिंग वगैरह कर लेंगे तो थोड़े खुश हो जाएंगे। और यहाँ पे ये मेरी भाभी और मेरी बेटी लगी हुई हैं, ये दाबड़े में मुर्गी डाल के तो मोहल्ले वालों के लिए खाना बनाने लगी हैं ये। और इन तोतों ने आज एक बड़ी अजीब सी हरकत की है। मुझे नहीं पता था कि तोते जो है ना वो अपने बच्चे को जो कमज़ोर होता है मर जाता है उसको खा भी जाते हैं। यहाँ इसके अंदर पिंजरे में चार बच्चे थे और आज हमने सुबह इसको सफाई करने के लिए खोला है तो इस डब्बे में से जो जो सामने बुक्स पड़ा हुआ है इसमें से तीन निकले हैं, एक ये चड़ैल और जिन दोनों ने खा लिया है। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये ऐसे खा लेते हैं। फिर हमने नेट से रिसर्च किया और पता चला कि तोते अपने बच्चों को जो मर जाता है छोटे बच्चों को वो खा जाते हैं। कर रहे हैं ये क्या हो रहा है आलियान? बबल पार्टी। बबल पार्टी। आलियान आप क्या कर रहे हो? बबल बना रहे। वो भी बबल बना रहा है। और ये देखिए बच्चों की, बस रख दो और मशीन ये बंद होती है यहाँ से। और ये बबल इकट्ठे कर रहे हैं बच्चे टब के अंदर। ये भाभी और मैं ना हम लोग बना रहे हैं पिज्जा, तो वो सब ऊपर गए हुए हैं, इन तोतों को भी छोड़ गए, ये भी थोड़े अदास अदास बैठे हुए हैं और हम लोग पिज्जा बना रहे हैं, वो ऊपर गए हुए हैं। कहाँ तक पहुंची आप? ये देखें जी, चिकन तैयार कर ली है भाभी ने और साथ में ये बन रही है पिज्जा सॉस। बच्चों के आने से पहले पहले हम लोग तैयारी कर लेंगे और उसके बाद ये मैंने भी डोई मारी है। उसके बाद फिर हम लोग पिज्जा बना देंगे उनको फ्रेश फ्रेश। आटा वगैरह गूंद लिया है। ये देखें जी, मैं ये देखें, ये जर्मनी से ब्लीच मिलती है ये वाली, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है कि एलोवेरा की है इसमें। ये देखें कि ब्लीच शायद इधर से नहीं मिलती, जो नए लोग होते हैं उनको नहीं पता होता, तो ये वाली जर्मनी से
ली हुई है मेरी भाभी ने। अच्छा जी, ब्लीच जब भी लगाएं तो हमारे फेस पे अक्सर ना लग जाती है, मसलन जब लगाएं तो फेस पे ना ब्लीच लगती है, तो उसका हल ये है कि आपने जब भी लगानी है ना, थोड़ा सा आपने मिल्क डालना है थोड़ा सा, और अगर पाउडर है ना ब्लीच में, ये इसमें पाउडर नहीं है, ये दोनों ही क्रीमें हैं, ये देखें इस तरह, हाफ़ ये डाल लेनी है, हाफ़ ये डाल लेनी है, मतलब जितनी दोनों एक जितनी डालनी है ये, और ये थोड़ा सा देखें मैंने एक टीस्पून के बराबर मिल्क ले लिया, और इतना ही मैंने ना हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें मैदा डाल लेना है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप डाल लोगे इसमें, तो ये जो ब्लीच है ना, ये हमारे चेहरे पे जब वो लगती है ना, एक जलन सी होती है, वो नहीं होगी। मैं हाथों पे भी लगानी है, इसलिए थोड़ी सी मैं ज़्यादा लगा रही हूँ। ये देखें, एक टीस्पून मैंने ये ले लिया, और एक ही टीस्पून मैं ये वाइट वाली ले लूँगी। ठीक है जी, सेम क्वांटिटी रखनी है, और इसको हमने अच्छे से मिक्स करके ब्रश के साथ लगा लेना है। 15 मिनट फेस पर रखना है इसको, उससे ज़्यादा नहीं, इससे पहले उतार सकते हो 14-13 मिनट में, 10 मिनट में, जितना आपको, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करें। उसके बाद जो है ना, स्किन जल जाती है, इसका असर 8 मिनट में ही हो जाता है। हम लोग वैसे ही वो देर ऐसे लगाई रखते हैं कि समझते हैं कि हम लोग चिट्टे हो जाएंगे, इससे चिट्टा नहीं होते, थोड़ी देर वो बाल जो है ना हमारे ब्राउन हो जाते हैं, वो 8 मिनट में ही हो जाते हैं, तो उससे ज़्यादा रखेंगे तो स्किन जो है ना वो जल जाती है। तो ये जो मैदा थोड़ा सा और थोड़ा सा मैंने मिल्क डाला है, इसकी वजह से वो जो जलन होती है वो बिल्कुल नहीं होगी। इस तरह ये बन गई है, आप ब्रश के साथ अपने हाथों पे, पाँव पे, जिधर भी लगानी है फेस पे ये लगा लें। ये देखें इस तरह की हो गई है ये। और ये देखें जी, मेरे हस्बैंड आ गए हैं, उन्होंने कल परसों आना था और वो अचानक से आ गए हैं, पहले सरप्राइज़ दिया उन्होंने हमें, और के हमें नीचे से मुझे आके ले जाओ, मैं नीचे आ चुका हूँ। सलाम, ठीक, वालेकुम सलाम। आपने तो कल आना था, मैंने कहा मैं सर पे प्राइज देता हूँ, मेरे सर पे प्राइज दे दिया सही हो गया बच्चे घर पे नहीं है, वरना चीहे चीहे आवाजें आनी थी, बा 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 बा, तो अमाविया हम दोनों कर सकते हैं, अमाविया आप करो बा 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 बा। इसने फोन किया उनको, तो किधरा से बोल रहा था कि मैंगो खाओगी, तो झूठ बोल रहे हो अच्छा नहीं, हमें यकीन नहीं आ रहा, तो आपने कहा कि एक आदमी आएगा वो मैंगो दे के जाएगा, कसम से आदमी हूं अब हम मान गए थे, पहले हमें लगा कि शायद सरप्राइज दे रहे हूँ, आना हो, लेकिन चले थैंक यू मैंगो लाने के लिए गोलगप्पे गोलगप्पे देखती हूँ क्या लाए यहाँ पर, मैंगो नहीं मैंने तो लिया गोलगप्पे वेनी है पे, ये देखें जी गोलगप्पे, वाओ, तो छोटे छोटे डब्बे भी नहीं, वेरी नाइस, सही है जी मैंगो, हाँ वो वाले जड़े होते हैं ना आजकल इटली च मिलते हैं ना, उन्होंने सोने असि तो क्या जो उस भाई ने सोने ना लिया तो उत खुबी पतरी ने मारना सी पर तुसी डर गए हो, ये क्या है नी पतीसा पतीसा और ये देखें जी तरबूज भी ये माविया का पतीसा आ गया, माविया को पसंद है ये वाला पतीसा, पाजे का होता है, सही हो गया। और जलेबियाँ तो खाऊंगी मैं, इसमें क्या है जरा दिखाओ, वाओ ये तो बेगल है, और ये वो अरबी लोगों की बड़ी बड़ी रोटियाँ, वाओ गरम है माविया, वाओ इनको ऐसे लपेट दो गरम रहे तो अभी ये ही खाएंगे, ठीक है, मैंगो बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। अबू की गाड़ी, अबू तो नहीं आए, गाड़ी कहाँ देख ली, नहीं वॉशरूम में तो नहीं है, वो तो हमने वैसे ही लॉक की है, आप लोगों ने कहाँ देखी है गाड़ी, बाबा की आवाज आ गई, हाँ सद के जाऊँ कहाँ, बाबा की आवाज वॉशरूम से आ गई है, ओ
कहता हमने तो बाबा की गाड़ी उधर ही देख ली थी। यहाँ ये क्या बाबा लाए हैं अली? ये क्या है? चुपा चुप चुपा दिखाओ जरा, ये किस तरह का? वाओ ये ज़ियान का कितना प्यारा ग्रीन कलर का। मेरा भी ब्लू है। हाँ आपको पसंद है ना सुहाना? हाँ। चलें जी आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।